चलिए दोस्तों, इस मैथ को करते हैं। इस मैथ को करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो है एक्स प्लस वाई क्यूब का। क्या होता है बताइए? इसका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ हुआ है। ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है, फॉर्मूला किसका? एक्स एक्स नहीं, पी पी प्लस वन क्यूब का। पी प्लस वन क्यूब, देखिए पी प्लस वन क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 26। ये सेम इसका है। अगर इसका किया जाए तो क्या आएगा बताऊँ? पहले आएगा पी क्यूब, उसके बाद आएगा वन क्यूब, उसके बाद क्या आएगा? थ्री पी, उसके बाद क्या आएगा? पी प्लस वन, यही आएगा ना। अब देखिए हम लोग इसको क्या कर लिए, पी क्यूब रख लिए प्लस थ्री पी से क्या करेंगे? देखिए थ्री पी स्क्वायर आएगा, थ्री पी से इसको मल्टीपल करेंगे क्योंकि एक का क्यूब एक ही आएगा ना। तो उसके बाद क्या आएगा? थ्री पी से इसको करेंगे तो थ्री पी, देखिए यही आया घूम फिर के, आया ना, यही हम लोग कर रहे थे। अब देखिए यहाँ तक तो आपको पता चला, ये हम लोग का वैल्यू इस फॉर्मूला से आ गया। चलिए तो हम लोग आपको बताते हैं, तो किसके फॉर्मूला पे बेस्ड है? पी प्लस वन क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 26। तो देखिए पी प्लस वन क्यूब माइनस वन को उस पर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 26 प्लस एक तो कितना आएगा? 27। पी प्लस वन क्यूब तो तीन क्यूब, तो पी प्लस वन का वैल्यू कितना आ सकता है? तीन। पी प्लस वन अगर तीन होगा, पी प्लस वन क्यूब तीन क्यूब, तो पी प्लस वन का वैल्यू कितना आया? तीन। तो पी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? जो तीन हो जाएगा, पी का वैल्यू होगा दो। कितना? पी का वैल्यू दो, पी का वैल्यू दो होगा तभी जाके यहाँ पे तीन होगा। हाँ, पी का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग एग्ज़ाम पे जाएंगे, सवाल पे जाएंगे। पी का वैल्यू दो मिल चुका है तो पी स्क्वायर प्लस टू पी, पी का वैल्यू दो मिला है तो पी स्क्वायर चार, टू पी भी चार, तो इसका वैल्यू आएगा आठ जो ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।